विंटर सीजन हो और कोजी से कपड़े ना हो तो ऐसे तो विंटर्स नहीं गुजरता। रिव्यू टाइम है वेलवेट के कुछ ड्रेसेस के जो मेरे सिस्टर के बन के आए थे, तो मैंने सोचा आपको रिव्यू कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ड्रीम डिज़ाइंस बाय माहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। विंटर सीजन्स है और विंटर सीजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टफ़ जो होता है वो वेलवेट होता है। आजकल मार्केट्स के अंदर वेलवेट के बहुत ही उम्दा डिज़ाइंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, कलर्स कॉम्बिनेशंस एंड वो सब बहुत ही उम्दा आए हुए हैं। मेरी सिस्टर ने ये मंगवाए थे, क्रिस्मा एंड जेडोट के ये डिज़ाइंस थे, बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत डिज़ाइंस थे। इन पे एम्ब्रॉयडरी बहुत नफीस और ख़ूबसूरत हुई हुई थी, धागे में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इस पे इतनी खूबसूरत लग रही थी। इसका ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत था एम्ब्रॉयडरी के साथ। ये कुछ लुक है थोड़ी सी शर्ट की, इसके स्लीव डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था, एम्ब्रॉयडरी इसकी बहुत प्यारी लग रही थी। ये वेलवेट के न्यू डिज़ाइंस थे, बिल्कुल लेटेस्ट 2023 के लिए ये इनका कैटलॉग आया था और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो सोचा आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्या चीज़ इन है। इसके अलावा ये दूसरा ड्रेस था, ये भी बन गया था, रेड कलर का ड्रेस था ये, इसकी शर्ट एंड ट्राउज़र एंड इसका बहुत ही प्यारा सा इंग्लिश ग्रीन कलर का, सी ग्रीन कलर का दुपट्टा था इसके साथ वेलवेट में, स्वीट लेदर का इसका स्टफ़ था, ये भी बहुत खूबसूरत था। इसकी एम्ब्रॉयडरी इंतहाई खूबसूरत थी देखने में, ये इतना अच्छा लग रहा था और वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हो इसके स्लीव्स के डिज़ाइन, इसके प्रिंट, इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी है वो कितनी हसीन लग रही है, इतना खूबसूरत लग रहा था ये। कोई भी चीज़ आप जब बाय करते हो, जहाँ से भी करते हो, जब वो अच्छी स्टिच हुई भी होती है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। ये इसकी शॉल थी और इसकी लुक एट द शॉल, इतनी खूबसूरत ये शॉल थी और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी उसका तो क्या ही कहना, इंतहाई नफीस, बहुत ही सिंपल डिसेंट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी ये। ओवरऑल ये लुक था इसका ड्रेस का, रेड विद सी ग्रीन शॉल, इतनी प्यारी लग रही थी ये, बहुत अच्छा लग रहा था ये। न्यू डिज़ाइंस 2023 विंटर कलेक्शन यही थी और इतनी प्यारी ये लग रही थी। विंटर्स जो है वो डिफ़िकल्ट होता है गुजारने के लिए वेदर के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से, और ये ओवरऑल लुक थी दोनों ड्रेसेस की, तो सोचा आपको एक दफ़ा अच्छे से दिखा दूं कि ये इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अगर आप लोगों ने लेना हो या आपने आपको आइडिया चाहिए हो कि किस टाइप के ड्रेसेस बनाने हैं, तो ये वेलवेट के रिव्यूज़ थे विथ शॉल। हमारी फैमिली में शादी थी तो हमने ये शादी के लिए बनवाए थे, आपको भी आइडिया अच्छा लगा तो बना सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।